हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम में, जहाँ आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल, लर्न डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक व्यूअर मिस्टर सुनील जी, जिन्होंने मुझसे फोन करके एक सवाल पूछा था। तो मैंने सोचा इस पे उनके लिए वीडियो ना दी, क्योंकि फोन पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल था। ऐसा सवाल उन्होंने पूछा था, उन्होंने पूछा था कि वो कैसे ऑटोमेटिक इनवाइस नंबर क्रिएट करेंगे। तो सीरियल नंबर तो जो 1, 2, 3, 4, 5 होता है क्रिएट किया जाता है, बट इनवाइस नंबर जिसमें एक पैटर्न है स्लैश लगा के, उसकी नंबर कैसे जनरेट की जाए, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और समझ में ना आए तो कॉल कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। तो उन्होंने जैसे कि मुझे मैसेज किया है कि उनका जो नंबर है कुछ इस तरह से है, इनवाइस नंबर जो है, कुछ इस तरह से है। मैं अभी मैसेज देख के बताता हूं क्या है। यहां पे ईयर है 2020/09 /M/100। अब अगला जो सीरियल नंबर चाहते हैं वो चाहते हैं सेम इसी तरीके से, और यहाँ पे 101 हो जाएगा, नीचे 10102 हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा है? तो इसके लिए हम बात करते हैं कि यहाँ से हम लेके आते हैं। अगर मान लीजिए कि मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है तो ठीक है। ये तो फिलहाल इसी को करते वापस, हमने इस तरह से लिखा और इसमें हमारे पास एक रो का नंबर होता है। जी हाँ, एक रो नंबर होता है, रो का फॉर्मूला। तो कॉन्सनेट मैं करता हूँ रो का फॉर्मूला। अब रो का फॉर्मूला क्या करता है, रो नंबर देता है। दिख रहा आपको रो नंबर, तो ये 100 है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। यहाँ पे रो नंबर 3 आ गया, इसमें +94 कर देता हूँ, 98 होगा, हाँ 98 आ गया। अब इसको नीचे की तरफ आप इजिली ड्रैग कर सकते हैं। जी हाँ, नीचे की तरफ इजिली ड्रैग कर सकते हैं इस तरह, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट कर देगा रो के अकॉर्डिंग इक्वल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा मान लीजिए कि 101 यहाँ है और अगले सीरियल नंबर मुझे यहाँ चाहिए या यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, किसी और सीट पे चाहिए, ये सीक्वेंस पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ और पैटर्न लेके चलना है, तो कैसे करें? तो उसके लिए हमें सबसे पहले राइट का फॉर्मूला लगा के इसमें से 3 डिजिट या जितना डिजिट का आपका इनवाइस नंबर होता है उतना को अलग करना होगा, फिर उसमें +1 करना होगा और फिर उसको कॉन्कैटेनेट कर देना होगा 2020/09/M और एंटर। लेकिन जो एम के साथ फ्लैश है, तो यहाँ पे फ्लैश देखा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मंथ के हिसाब से आए, मंथ के हिसाब से आए, तो यहां आप लगा सकते हो फॉर्मूला इसका, फॉर्मेट का, फॉर्मेट टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट का फॉर्मूला। और टेक्स्ट के फॉर्मूले में टुडे का फॉर्मूला जो कि करेंट सिस्टम डेट देगा, उसमें से हम यहाँ करेंगे वाई /MM/ ये आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें कॉन्कैटेनेट हम कर देते हैं M, और उसके बाद जो है आप जो राइट का फॉर्मूला लगा दें या रो नंबर का, रो का फॉर्मूला लगा दें, वो आप पे डिपेंड करता है। 96 ये ऑटोमेटिकली आपके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग वर्क करेगा।
एम जो है यहाँ से प्लस इस तरह इसके आगे नहीं लगेगा 96 नहीं 98 होगा 101। आई होप मिस्टर सुनील आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी और आप लोग भी जो देख रहे हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के ऑन कर दीजिएगा, जैसे मैं अपनी वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मैं डेली जो है तकरीबन 10 से 15 वीडियो अपलोड करता हूँ, अभी तक मैंने 5000 के आसपास वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। जी हाँ, मैं 2007 से ट्रेनिंग दे रहा हूँ और 2014 से अपने चैनल पे वीडियो अपडेट कर रहा हूँ और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो उसमें से मोस्टली मेरे स्टूडेंट हैं और बाकी जो नहीं है वो कुछ दिनों में बन जाएंगे, क्योंकि मेरा मोस्टली स्टूडेंट मेरा यूट्यूब व्यूअर ही होता है। तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इन फ्यूचर में आप भी मेरे स्टूडेंट हो सकते हैं, ऐसी मेरी सोच है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं नंबर नोट कर लीजिए, मुझे कॉल कीजिएगा, मैं हमेशा आपके लिए अपना फोन बिल्कुल इस तरह से ऑन रखूंगा। थैंक यू।